बड़ी बीमारी का शिकार हुई राखी सावंत, एक्स हस्बैंड रितेश राज ने किया अहम खुलासा। राखी सावंत को यूट्रस में ट्यूमर, राखी सावंत को हो सकता है ट्यूमर। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत अक्सर अपनी बेबाक वीडियो और हरकतों को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं, लेकिन इन दिनों राखी सावंत एक बड़ी बीमारी से जूझ रही हैं। आपको बता दें, राखी सावंत को बीते रोज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राखी सावंत ने पेट और सीने में दर्द की शिकायत की थी, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। अब राखी सावंत के एक्स हस्बैंड रितेश राज ने अहम खुलासा किया है। रितेश राज ने बताया कि राखी सावंत को कैंसर हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि डॉक्टर्स ने नहीं की है, लेकिन टेस्ट किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। रितेश ने बताया कि अस्पताल में एडमिट कराने के बाद डॉक्टर्स को पता चला है कि राखी सावंत को यूट्रस में ट्यूमर है। डॉक्टर्स इसकी जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि राखी सावंत को कैंसर भी हो सकता है। हालांकि डॉक्टर्स अभी इसकी जांच कर रहे हैं, अभी तक इसको लेकर डॉक्टर्स ने पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि राखी सावंत ने मंगलवार को अपने सीने और पेट में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद एक्ट्रेस को अस्पताल में भर्ती किया गया था। राखी सावंत के पेट में बेतहाशा दर्द उठ रहा था। हालांकि अभी राखी की हालत स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें अभी अपने ऑब्जर्वेशन में रखा है। वहीं उनके एक्स हस्बैंड ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आप लोग दुआ करें कि राखी सावंत जल्दी ठीक हो जाए। उनके फैंस ने भी राखी सावंत के जल्द ठीक होने की दुआ मांगी है। रितेश ने कहा कि राखी ने खुद की पर्सनालिटी ऐसी ही बनाई है कि उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन राखी इस समय संकट से गुजर रही है। रितेश और राखी की मुलाकात दुबई में एक शो के दौरान हुई थी। दोनों ने बिग बॉस सीजन 15 में हिस्सा लिया था। रितेश और राखी ने शादी रचा ली थी। हालांकि दोनों की ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और दोनों ने शो खत्म होते ही 2022 में अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। रितेश के बाद राखी सावंत ने आदिल दुरानी से शादी रचाई थी। इस शादी की भी सुर्खियां खूब छाई रही थी। अब रितेश राज ने राखी सावंत के लिए फैंस से दुआ मांगने की अपील की। फिल्मी जगत के ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।